आपको हंसाने आ गए हैं शंभू शिखर, 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 आ गए हैं शंभू शिखर। नमस्कार, मैं शंभू शिखर आपका स्वागत करता हूँ चार पुस्तक चिपक के, यानी कि चिपक के पुस्तक चार घटपट सर जी। आज आपके लिए हंसी का खजाना जो मैं लेकर के आया हूँ वो बहुत ही शानदार है। चारों मुक्तक एक से बढ़कर एक, क्योंकि मैंने लिखे हैं तो एक से बढ़कर एक ही होंगे। एक घटना आपने जरूर न्यूज चैनलों पर देखी होगी, अखबारों में पढ़ी होगी या सोशल मीडिया पे उंगली घिसते हुए कहीं ना कहीं आपके सामने आकर के वो खबर टिक गई होगी और आपकी नजर भी वहां पर टिक गई होगी। वो हुआ पश्चिम बंगाल में। क्या कमाल की बात हुई पश्चिम बंगाल में साहब। बात यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, क्योंकि वो ममता बनर्जी की पार्टी की समर्थक और उसमें लीडर बनना चाह रही हैं। कमाल की बात है। अच्छा, तलाक वैसे अपनी ही पत्नी को दिया जाता है, लेकिन इसमें सुनिएगा आप, बस आनंद लीजिएगा कि धारा पुरानी सबको मोड़नी ही पड़ेगी, खाई थी कसम वो भी तोड़नी ही पड़ेगी। एक बात समझ आ गई सौमित्र खान को, मोदी के साथ पत्नी छोड़नी ही पड़ेगी, मोदी के साथ पत्नी छोड़नी ही पड़ेगी। और साहब ये काम करके इन्होंने एक बहुत बड़ा अपने आप को, आप जानते हैं क्या किया है, एक कैंडिडेट बना दिया। किस चीज के लिए? आखिरी लाइन पे आपको मजा आ जाएगा, नहीं मजा आए तो पैसे वापस जो हमें भी नहीं मिले। कि गद्दी पे अकेले ही लोग लाए जाएंगे, बंगाल में जोगी भी आजमाए जाएंगे, पत्नी से दूर हो गए सौमित्र खान जी, लगता है मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तालियां तालियां तालियां। लगता है मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन साहब ये इतना पुराना प्यार, इतना बड़ा संबंध, मतलब राजनीति में जब टूट जाती है तब कवि के हृदय से जो बात निकलती है कि जिससे बंधे हुए हो वो आधार न तोड़ो, मजबूत अपने दिल की जो दीवार न तोड़ो, सपने में भी बेशर्म सियासत के लिए तुम अपनों का सजाया हुआ घर बार न तोड़ो, अपनों का सजाया हुआ घर बार न तोड़ो। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको सुन रहे हैं और आप लोग तालियां भी बजाते रहिएगा, आनंद लीजिएगा साहब। जीवन में आनंद अगर ना हो तो सारी चीजें बेकार है। कि नोक झोंक में भी अपनेपन का मजा लो, तुम नोक झोंक में भी अपनेपन का मजा लो, फेरों के साथ साथ के वचन का मजा लो, है स्वार्थ में अंधी है राजनीति छोड़कर, बस स्वार्थ में अंधी ये राजनीति छोड़कर, मिल कर के रहो साथ में जीवन का मजा लो, मिल कर के रहो साथ में जीवन का मजा लो। तो दोस्तों बात कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी वहां पर झंडा गाड़ने की कोशिश में लगी हुई हो, लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा राजनीति करिए लेकिन परिवार को मत टूटने दीजिए, परिवारों को जोड़ करके रखिए। हालांकि हमने बहुत सारे ऐसे पहले भी केसेस देखे हैं कि एक ही परिवार से लोग एक कांग्रेस में है, एक भाजपा में है, और जिनको जहां टिकट नहीं मिली वो निर्दलीय में है। कुल मिलाकर के किसी भी तरह से सत्ता में, शासन में, प्रशासन में रहना चाहते हैं, लेकिन परिवार को जोड़ के रखिए। इस सर्दी में अपने आप को बचा के चार मुक्तक चिपक का यह सेगमेंट आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। तब तक के लिए नमस्कार।